अस्सलाम वालेकुम, ब्रिलियंट स्कूल किड्स कैंपस। आइए जी, आज देखते हैं यहाँ पर क्या मामला चल रहा है। हाँ जी उस्मान साहब, सुनाए कैसे हैं आप? काम शाम ठीक हो रहा है? शुक्र अल्लाह का बेहतरीन है। मैं कहना बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे ब्रिलियंट स्कूल कायदे कैंपस, यहाँ पर जाकर देखते हैं बच्चों की परफॉर्मेंसेस कैसे चल रही हैं और यहाँ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या चल रहा है आजकल या वो लास्ट पेपर के दिनों में। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या याद कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा बबली। आपका नाम आता? ठीक हो गया। क्या याद कर रहे हैं बच्चों आप लोग, बताएं क्या याद कर रहे हैं? चलें करवाएं। केजी क्लास है ये जी, वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल 4 साल। करवाएं याद इन्हें, करवाएं। नहीं जी, बच्चे लेसन याद कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लगे रहने दें इन्हें, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए आगे जाएंगे अगली क्लासेस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप भी ठीक है? हाँ जी बच्चे, कुछ जा रहे हैं मामा के साथ? मामा के साथ। अच्छा, मामा के साथ जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। अरे ये है जी छोटी, छोटी क्या कर रही हो? सेल करो। हाँ जी बच्चों, कौन सा पेपर हो गया आज बताएं? कैसा पेपर हुआ? फ्रेंग। फ्रेंग। अच्छा हुआ आपका? अच्छा। आपका? इसका अच्छा नहीं हुआ। ये बोल दी। ठीक, इशारे से बात करेगी बच्ची। हाँ जी बच्चों, आप लोगों का पेपर ठीक हो गया? ये है जी प्रेप क्लास किड्स कैंपस की, आप देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। आए जी, इनका सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड दिखाता हूँ। इनके वाइट बोर्ड के ऊपर जो काम मेंशन है, इनसे ये सुनते हैं। मेरी ज़ात मज़मून है जी, सबसे पहले मैं मेरी ज़ात मज़मून सुनूंगा। सुनाओ मेरी ज़ात मज़मून। मेरी ज़ात मज़मून सुनाओ। इन्हें मेरी ज़ात मज़मून नहीं याद करवाया गया, ये न्यू एडमिशन है। हाँ तो जैसे इसे सुन लेते हैं, इंग्लिश में सुना दो। I am a boy, full stomach. My name is Muni, full stomach. My father name is Nisa, full stomach. My school name is Brinner School, full stomach. I in class prep. बढ़िया, बच्चे को साथ साथ पंक्चुएशन करवाए गए, कहाँ कहाँ फुल स्टॉप आना है। अच्छा, इस वक्त आप लोग क्या याद कर रहे थे, क्या याद हो रहा करवा रही थी आप? इंग्लिश की बुक, क्या लेसन याद करवाए? करवाएं आप करवाएं लेसन, मैं देखता हूँ इनका काम जाओ कैसे। आइए जी, अब हम अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें याद करने देते हैं। ये क्लास आ गई प्ले ग्रुप जी, प्ले ग्रुप के बच्चों को इनसे सुनते हैं इन्हें क्या आता है। स्काइलेटर, ग्रासलेटर, रूटेटर आते हैं इन्हें। चलें जी, आप अल्फाबेट सुनाएं। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। ठीक हो गया, पेपर अच्छा हो गया, आता था ए बी सी डी। कौन सा पेपर हुआ है? अल्फाबेट्स का पेपर हो, इंग्लिश का। ठीक हो गया, चलें स्काई लेटर्स आते हैं। स्काई लेटर्स किस किस को आते हैं सुनाए? बी डी एफ एच के एल टी। शाबाश। अच्छा, ये रूट लेटर किस किस को आते हैं? लेटर पी जी जे पी क्यू। वेल डन। ग्रास लेटर किस किस को आते हैं? ग्रास लेटर किस किस को आते हैं? अच्छा, अभी ग्रास लेटर नहीं करवाए इनका, ये प्ले ग्रुप है जी, ये आपको दिखाता हूँ। अल्फाबेट्स करवाए गए हैं इन्हें, साउंड्स करवाए जा रहे हैं।
और स्काई लेटर्स हो गए हैं, रूट लेटर हो गए हैं, अभी ग्रास होते हैं जो दरमियान में दो लाइन में आते हैं, मालूम है ना। चले हैंडशेक कर दें, ठीक है फिर कर दें, आखिरी पेपर हो गया इनका, अब आगे एनुअल की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हैंडशेक कर दें, ओके जी अब मैं आगे बढ़ूंगा। एक और सेक्शन है जी यहाँ पर प्ले ग्रुप का, प्ले ग्रुप के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। आज इनका भी लास्ट पेपर हो गया, पूछते हैं इनसे, साउंड्स दे सकते हैं, स्काई लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आगे उसके बाद जो है वो फोनिक्स की बात हो रही है, और फोनिक्स में यहाँ पर जो है वो टीचर ने स्पेल गलत लिखे हुए हैं, पी एच ओ एन आई सी एस, फोनिक्स, वो ठीक करें, कर लें ठीक। हाँ जी अब मैं आपसे सुनता हूँ, अल्फ़ाबेट सुनाएं मुझे, अल्फ़ाबेट से एबीसी आती है, सुनाएं। अगली क्लास इधर पढ़ते हैं, ये बच्चे वाशरूम का वेट कर रहे हैं। अब मैं आ गया नेक्स्ट क्लास, ये बी सेक्शन हमारे पास नर्सरी का, ओके इसमें देखते हैं बच्चों को क्या क्या चीजें। हाँ बबले लेसन याद है, नाश्ता करके आए हो, आज सुनाओ एबीसी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अच्छा रुफेदा जी किसको आते हैं, अली पे पे कौन सुनाएगा, रुफेदा जी हरूफ नहीं आते किसी को, तो सुना दो ना यार। अलिफ बा ता सा ता सा जी था खा दाल साल था। वेल डन, हां जी अब काउंटिंग सुनते हैं गंजे से, सुनाओ 1 2 3। ये बच्चा इस तरह को बैठा हुआ है, टांग का मसला ले जी, इस बच्चे की टांग का इशू है, इस पे अच्छा ठीक है, शाबाश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वेल डन शाबाश। हां भी सुनाओ, डी फॉर ए, डी फॉर ए टी ए पी, शाबाश। हां जी पेपर अच्छे हो गए हैं, मजा आ रहा पढ़ने में, ठीक है जी। ये भी जो आपको छोटी क्लास है, यहाँ पर भी जो आपको सेम वही काम हो रहा है जो सामने क्लास में हो रहा है। चलो आ जाओ बच्चों क्लास में आओ, ठीक है जी। इनके भी फोनिक्स के स्पेल सही करवा दें, ओके हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कितना जा रही हो, जाओ पियो, ले जी बच्चे जी आपको पानी पीने जा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये छोटी क्लासेस मैंने आपको दिखाई हैं, अब क्लास जैसे 3 4 5 6 की तरफ बढ़ते हैं, 3 4 5 6 का यहाँ पर 7 मैक्सिमम। मैं इस पर आ गया क्लास 6 में, क्लास 7। अच्छा जी यहाँ पर 7 क्लास में देखते हैं। हाँ जी बच्चों पेपर अभी कर रहे हैं जी, ठीक है बच्चों नीट काम किया करें, जो बच्चे काम अच्छा नहीं ना करते, नीट नहीं करते, फिर उन बच्चों की स्टडी मुतासर होती है, उनको नंबर नहीं मिलते। नहीं जी ये राइटिंग बहुत अच्छी है, जितना प्यारा करेंगे जितना साफ सुथरा करेंगे। यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनना जी, लेट है इस टाइम पर, लाइट नहीं आ रही होगी ना, ठीक है करें आता भी है या नहीं, नकल तो नहीं होती यहाँ पे, बताएं जी नकल होती है, पक्की बात है, ठीक हो गया वेल डन करें काम, शाबाश करते जाएं। और बस इसी तरह से आप काम करते जाएंगे तो कामयाबी समेटते जाएंगे। चेंज आते हैं अब जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, ये क्लास है जी हमारे पास 7 6 6 क्लास, ओके। हाँ जी बच्चों पेपर आता है, yes. पक्की बात है, yes. सच बताइएगा, yes. बबली आता है आपको, yes. ये बबली है, ये देखिए मुंह चेक करें इसका, है ना पता चलता है ना बबली है, ओके चलिए इनका काम चेक करते हैं, इनकी राइटिंग चेक करते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन चेक करते हैं कैसा लिखते हैं, ठीक है राइटिंग इंप्रेशन तो बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी इन्होंने अच्छी की है, वेल डन शाबाश। मैं देखता हूँ मैं आपका काम, क्या बात ये हुई ना चीज़, वेल डन बबली का काम देखते हैं, बबली इस तरह करो ना दूसरी तरफ करके दिखाओ ना, हमें पेपर इस तरफ करोगे ना पेपर तो हमें कैमरे की तरफ, ये चीज़ क्या बात है, बहुत आला काम है जी, काम अच्छा है सुथरा भी है,
अच्छा ये मतलब क्लास की सबसे अच्छी प्रैक्टिस, ठहरो ना आहिस्ता आहिस्ता, चलिए आप नेक्स्ट पेज करें। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है। आगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। हाँ अभी इसने जो अभी यहाँ पे प्रोसेस दे रही है, ठीक है वेरी गुड, बहुत आला, बहुत उम्दा, शाबाश बच्चों, जान लगा के ऐसे जो वो काम जारी रखें अपना, क्योंकि आप लोगों ने जो वो आगे मेहनत करके बढ़ना है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, आगे आप एनुअल एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आपकी छुट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मौसम भी अच्छा हो गया है, ठीक है जी। ओके फिर ठीक है, फिर करें बाय, हैंडशेक कर दें। ओके हाँ जी, आप क्यों बाहर आ गए हो? भाई का इंतज़ार कर रहा, जाने लगा, क्यों बाहर खड़े हो? वाशरूम जाना चाहता है ये बच्चा, ठीक है जी। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे क्लास थ्री, टू, क्लास क्लास टू में देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी पेपर हो गया, अच्छा हुआ है, ठीक है पेपर ठीक है, आता था? यस आता था। ये अभी बच्ची कर रही है, इनका ड्राइंग चल रहा है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे देख के फ्री हो गए हैं। हाँ जी गुड़िया कौन सी क्लास में हो? ये देखे टू क्लास की छोटी सी नन्नी मुन्नी सी। हाँ जी पेपर ठीक हो गया? वेल डन, ठीक है ठीक है। ले जी फिर हैंडशेक करें ना थोड़ा सा, ताकि पता चले कि हाँ पेपर इंप्रेशन कैसा है आपका। ओके हो गया, वेरी गुड जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, मतलब कि लाइट जाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वही उसी तरह से तमाम क्लासेस की तरह एक अच्छा वेंटिलेशन और एक अच्छा एरेशन सिस्टम है। यहाँ से क्लास आगे निकली हुई है इस तरफ को, चलें जी यहाँ भी आते हैं। ये मिस मरियम की क्लास है जी, ये आ गई क्लास फोर, थ्री क्लास थ्री। मिस मरियम नकल तो नहीं हो रही यहाँ पे? पक्की बात है? यस अभी नकल हो रही है। वेल ठीक काम हो रहा है बबली, कैसी हो? आपने नाज़रीन इसे पहले भी देखा होगा इस बच्ची को मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, ये है हमारी प्यारी सी बबली। बबली पेपर कैसा हुआ है? पढ़ने लिखने में अच्छा लगता, मज़ा आता है कि नहीं? बड़े होके क्या बनोगे? मिस बनेंगी। और आपकी सबसे अच्छी टीचर कौन सी हैं? पहले तो आप कहती थी मिस था ना, आप मिस मरियम, जिनसे पढ़ते हैं बच्चे उन्हीं करते हैं, ठीक है। और पेपर हो गया? हो गया। अब इसने कहा मैंने बड़े होके मिस बनना है। ओके ओके ठीक है, फिर हैंडशेक करें आप लोग भी ज़रा। ये मैं एंड तक जाऊंगा, सारे बच्चों को जो है वो वीडियो में लूँगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हॉल है, इन्हें साथ वाली क्लास से दोनों सेक्शंस को कंबाइन करके यहाँ पे किया गया, ताकि ये बच्चे ना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम है। हाँ भी बच्चों आप लोग सुनाएं, ठीक हो गया पेपर? आता था? आता था, पक्की बात है? नीट एंड क्लीन किया काम, गंदा तो नहीं किया? और इब्राहिम हो ना? हाँ इस्माइल। इब्राहिम किधर है? क्या कह रहे हो? वो दोस्त है, वो गाड़ी में रहता है। अच्छा दोस्त है और वो नाले में रहता है, देखो दोस्त को नाले में फेंक गए हैं, ठीक है फिर आप लोग भी हैंडशेक करें, ठीक है। वेल डन वेल डन, ब्रिलियंट स्कूल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको जाके ये वीडियो मिल जाएगी छुट्टी के बाद। ओके फिर बाय, अल्लाह हाफिज़। निकलते हैं जी, ये क्लास रूम जो पी किया इन्होंने, किसका वेट कर रही हो आप? पी का, किधर जा रही हो? आ रहे हो फिर, आ जाओ। अरे नाजरीन आगे आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट सेक्शन, क्लास फोर, क्लास फोर में मैं आ गया हूँ। हाँ जी फोर क्लास पेपर हो गया? yes. कर लिया? yes. आता था? नाश्ता किया बबली? yes. ठीक है वेल डन, क्या बात है। ओके इनसे पूछते हैं कि इन्होंने काम जो है वो किस तरह का किया है, अच्छा किया है बुरा किया, आता था नहीं आता था? हाँ भाई यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? धोने वाला क्यों है? लाइट गई थी, ठीक है। बाकी पेपर ठीक हुआ है? yes. नकल हुई है? पक्की बात बतानी है? क्या उतारो? पहननी है तो ब्रिलियंट की यूनिफॉर्म की पहनो ना, ये अलाउ नहीं, ये अलाउ है। हाँ जी हाँ जी, मैं सारा बताया इनकी तैयारी कैसी है? सर बहुत अच्छी थी। पक्की बात है? yes. अब आगे जाए वो बच्चों की तैयारी एनुअल की होंगी, आज से अकेडमिक टाइम में बच्चे मसरूफ़ हो जाएंगे एनुअल की तैयारियों में, और सालाना पेपर आपके आ रहे हैं 20 नवंबर से, ठीक हो गया ना? चलें जी सेंड अप स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं। फोर क्लास वालसलाम, ओए बच्चों थोड़ा सा रास्ता दे दो मुझे आने के लिए। हाँ जी बच्चों तैयारी कैसी हुई है? अच्छी। हाँ जी जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं आपने भी? उठा रही जिम्मेदारियाँ? जी। चलें जी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। कैसा पेपर हुआ है? अच्छा। आपका? अच्छा। सबका अच्छा हुआ है पेपर?
जिन बच्चों का बहुत साफ सुथरा अच्छा पेपर हुआ, नीट एंड क्लीन हुआ, हैंड रेज करके बताएं। क्या बात है, वेल डन, ठीक है। हाँ जी, पेपर में क्या आया था आज, कौन सा क्वेश्चन आया था जो आपको अच्छे से आता है? ये न्यू एडमिशन है, ये नहीं दे रहा। अच्छा, इनसे पूछ लूँ। हाँ जी, कौन सा पेपर क्वेश्चन कौन सा आपको आता था अच्छे से, बताएं क्वेश्चन। घर में मम्मी पापा पूछते हैं ना बेटा, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था बताएं, ज़रा बताइए। ठीक है, ओके, किसी और से पूछते हैं। किसको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे, आप बताना चाहोगी कौन सा क्वेश्चन आया था? नहीं, मतलब आपको क्वेश्चन ही याद रहते कि ये क्वेश्चन जो है वो आज पेपर में आया है, तो घर में जो है वो पेरेंट्स पूछते हैं बेटा बताओ कौन सा क्वेश्चन आया था, फिर आप बताते हैं मम्मा ये भी आया था, ये भी आया था, पापा ये वाला आया था, ये वाला आया था। तो आपको बताना चाहिए, इनको थोड़ा सा ना इनकी थोड़ी सी रिहर्सल करवाएं मिस, ताकि इन बच्चों को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया था। नहीं नहीं सवाल बताएं, क्वेश्चन अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम बताएं, और कौन सा क्वेश्चन आया पेपर में? ठीक है, ब्रिलियंट स्कूल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, हैंडशेक कर दें और आगे तैयारियों में मसरूफ हो जाएं। ओके, हो गया जी, लें जनाब। तो यहाँ पर जो बाहर बच्चे आ जाते होते हैं, यहाँ पर सोलर भी तैनात है, अगर जो ज़्यादा मसला हो ये भी बंद हो जाए तो बच्चों को यहाँ पर भी बैठा लिया जाता है, कारपेट बिछा के, अगर जो ज़रूरत पड़े। और इनके साथ जो वो व्यवस्था आ जाती हैं इनकी डिफरेंट लैब्स, जो कि ये है, वेरी गुड, हो गया। इसी तरह से ये लैब्स आ जाती हैं जिसमें बच्चों को मुख्य प्रैक्टिकल्स वगैरह जो वो आसानी से करवा दिए जाते हैं, ताकि बच्चों का टैलेंट जो वो मज़ीद निखरे। ले जी, आप मुझे नाज़िम बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।